दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 26 फरवरी, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 लेटेस्ट भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, RBI में 10वीं पास की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है, आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और नोटिफिकेशन भी इसका जारी हो चुका है। NTA के अंतर्गत भी 1145 पदों पर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, साथ साथ होम गार्ड की भी लेटेस्ट भर्ती की अपडेट आ चुकी है 8वीं पास के लिए, और जल विभाग और इंडियन कोस्ट गार्ड में भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट ntsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें ऑफिस अटेंडेंट की, 841 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिफिकेशन से सिंपली चेक कर सकते हो। बात अगर सैलरी की जाए तो 10,940 से 30,700 प्रति माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। जनरल EWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹450 फीस है। SC ST PWD EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ₹50 एप्लीकेशन फीस है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन एग्जाम और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LPT के आधार पे। एग्जाम पैटर्न की कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन में ही दी गई है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। RBI.org.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 24 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 15 मार्च 2021 है। एग्जाम की डेट 9 और 10 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में, NTA के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। पोस्ट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, हेल्थ अटेंडेंट, इंजीनियरिंग अटेंडेंट और भी वेरियस पोस्ट है, सभी के लिए 1145 वैकेंसीज निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप नोटिस से चेक कर सकते हो और पोस्ट वाइज भी वहीं पर आपको पूरी जानकारी दी गई है। सैलरी लेवल 2, 3, 4 और भी लेवल के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट वाइज कंप्लीट एलिजिबिलिटी आप नोटिफिकेशन से मैच कर सकते हो और बाद में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 10वीं 12वीं पास, ITI ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS, BTech, डिप्लोमा से आप आवेदन कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 27, 30, 35 और 45 वर्ष है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए ₹800 शुल्क है। SC ST PH के लिए ₹600 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। NTA.ac.in या फिर DU.ac.in या फिर recruitment.NTA.nic.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 23 फरवरी 2021 थी। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 17 मार्च 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की डेट 18 से 20 मार्च 2021 है। एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें होम गार्ड वॉलंटियर की, 296 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 704 पर डे के लिए, यानी कि 1000 से ज़्यादा यहाँ पर सैलरी प्रति माह के लिए रहेगी। 8वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम 20, मैक्सिमम 50 वर्ष है। ₹20 यहाँ पर परफॉर्म के लिए आवेदन शुल्क है। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। गोवा जॉब लोकेशन है,
goa.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 31 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, जल संसाधन प्रबंधन और विकास निगम के अंतर्गत भर्ती है। जल विभाग के अंतर्गत पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरीट, ट्यूबवेल ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन की 262 वैकेंसीज है। ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए 200 से ज्यादा वैकेंसीज है। कंपनी सेक्रेटरीट के लिए 47,600 सैलरी है। ट्यूबवेल ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन के लिए 19,900 सैलरी प्रति माह के लिए है। 10वीं प्लस ITI से आप इन बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जबकि इस पोस्ट के लिए डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 37 वर्ष है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹1,000 आवेदन शुल्क है। SST बैकवर्ड क्लास और EWS के लिए ₹250 शुल्क है। EX सर्विसमैन के लिए ₹200 आवेदन शुल्क है। PWD के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो ऑनलाइन या फिर HDFC बैंक चालान से। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। बात अगर ऑफिशियल वेबसाइट की जाए तो PWRMDC.punjab.gov.in या फिर PWRMDC.punjab.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 22 फरवरी 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 14 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 15 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन कोस्ट गार्ड में, भारतीय तटरक्षक बल के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट डायरेक्टर और फोरमैन की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सैलरी प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए 15,600 से 39,400 है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 35,400 से 1,12,400, फोरमैन के लिए 56,400 से 1,77,500 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप आवेदन कर सकते हो। मैक्सिमम 56 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पे, ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड .gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 22 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अंतर्गत टीचर की वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। 12th ग्रेजुएट BLED DLED BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की जानकारी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। SST कैटेगरी के लिए ₹300 शुल्क है। अदर कैटेगरी के लिए ₹500 शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन मोड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ऑनलाइन मोड, कैश पेमेंट चालान से, ऑफलाइन मोड से। सिलेक्शन होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है, BSEodisha.NIC.in या फिर BSEodisha.ac.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 8 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 8 मार्च 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में ला क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। वेरियस पद खाली है। सैलरी 20,000 पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री इन लॉ से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। ऑल कैंडिडेट्स के लिए ₹922.16 आवेदन शुल्क है, जो कि आप डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MPSC.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन आज ही से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 फरवरी 2021 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 मार्च 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 26 फरवरी 2021 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।